नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त एमपी अब तक का हो गया है, शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने की है बड़ी बैठक। बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की ये बैठक जहां उम्मीदवारों के नामों पर मंथन जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर किसे मैदान में उतारा जाए, कौन साबित होगा विनेबल कैंडिडेट, इसको लेकर मंथन जारी है, दिमागी कसरत की जा रही है। बीजेपी केंद्र चुनाव समिति की बैठक जिसमें उम्मीदवारों के नामों को लेकर मंथन किया जा रहा है। करीब 100 से 120 सीटें ऐसी रहेंगी जिन पर पहले उम्मीदवार उतारे जा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। और फोकस बीजेपी का उन सीटों को लेकर है जिनमें बीजेपी अब तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है, इसीलिए उन पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा कई सांसदों के टिकट कट सकते हैं, खासकर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो, और साथ ही युवा चेहरों को आगे बढ़ाने का भी समय है, ये पहले ही संकेत दे दिए गए हैं बीजेपी आलाकमान की ओर से। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीईसी की ये बैठक जारी है बीजेपी में और उम्मीदवारों के नाम पर मंथन किया जा रहा है। कई सीटें ऐसी हैं जिनमें एक नाम लगभग फाइनल हो चुका है और कई सीटों पर अभी पैनल बनाए गए हैं, जिस पैनल में 2 से 3 नाम है, उन नामों में से एक नाम पर राय शुमारी की कोशिश की जा रही है। तो बड़ी बात, बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर लोकसभा चुनाव 2024 से पहले मार्च के पहले हफ्ते में ही, शुरुआत में ही उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी जाए, इसको लेकर बीजेपी जो पूरा खेमा है काफी एक्टिव है। सीईसी की ये बैठक ताकि उम्मीदवारों को वक्त मिल सके तैयारी का, और इसीलिए लगातार ये मंथन किया जा रहा है, बैठक पर बैठक की जा रही है। दिल्ली में चुनाव को लेकर सीईसी की इस बड़ी बैठक में भी एजेंडा वही, कौन होगा उम्मीदवार, किस सीट पर किसकी दावेदारी है भारी। 400 पार का नारा एनडीए के लिए और बीजेपी 372 का आंकड़ा छुएगी, ये पहले ही प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं, और लगातार इसी फॉर्मूले पर काम करते हुए बीजेपी आगे बढ़ रही है कि 400 पार के नारे को किस तरह से, इस लक्ष्य को हासिल किया जाए, और इसके लिए उम्मीदवार कौन होगा, किस सीट पर कौन रहेगा, मंथन जारी है। हमारे साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी अशरफ काजमी लाइव जुड़ रहे हैं। अशरफ, क्योंकि लगातार आप नजर बनाए हुए हैं इस हर मूवमेंट पर, बैठक हो रही है, मंथन हो रहा है, क्या कह रहे हैं आपके सोर्सेज? अपर्णा, देखिए बस अब यहाँ बीजेपी मुख्यालय में प्रधानमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है। जैसे ही वो आते हैं तो केंद्रीय चुनाव समिति की औपचारिक रूप से बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि इससे पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया पहुंच चुके हैं, मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वो पहुंच चुके हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री वो आने वाले हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कमोबेश रास्ते में है, वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। सबका इंतजार जो है प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री का है। प्रधानमंत्री जैसे ही पहुंचते हैं तो मीटिंग शुरू हो जाएगी और फिर राज्यवार उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा शुरू हो जाएगी। और आज करीब 100 से 125 के आसपास सीटों पर, नामों पर मोहर लग सकती है, और उम्मीद की जा रही है फिर कल हो सकता है कि भाजपा पहली अपनी सूची भी जारी कर दे। हालांकि अभी तक चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, भाजपा चुनाव से पहले अपने उम्मीदवारों को की घोषणा कर देगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन ये जो उम्मीदवार घोषित किए जाएंगे उसमें उत्तर प्रदेश से प्रधानमंत्री का नाम होगा, वाराणसी उनका क्षेत्र है, लखनऊ से राजनाथ सिंह उनका नाम हो सकता है, और गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह, ये वो जो बड़े नाम है जिनका पहली सूची में नाम होगा। और दूसरी बात, जहां बीजेपी ने पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव हारे थे वहां सीटों पर भी वक्त से पहले उम्मीदवार उतारकर मजबूत टक्कर देने का काम भाजपा करेगी। अपर्णा, बिल्कुल, तो बड़े चेहरे जिनके नाम सामने आ सकते हैं वो आपने बता दिए अशरफ, और थोड़ी देर में बैठक भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा यहाँ पर एक एज भी रहेगा बीजेपी को, अगर पहले से ही वो एक बड़ी मजबूत लिस्ट निकाल देती है तो। 80 से 90 सीटों, बिल्कुल अपर्णा, यही एक
रूप से भाजपा का दाव भी है कि वो विपक्ष को दबाव में ले ले, अपने बड़े चेहरों को मौका दे। और दूसरा, जहां वो 2019 के विधानसभा लोकसभा चुनाव हारी थी और वहां पर भी उम्मीदवार घोषित कर उनको मौका दे कि वो चुनाव मैदान में उतरे और ज्यादा से ज्यादा जनता के साथ जुड़े और उनकी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीति है वो उन तक पहुंचाएं और पार्टी को मजबूत करें। पहले उतारने का यही मकसद होता है कि उम्मीदवार डोर टू डोर जाकर सीधे मतदाता के साथ संपर्क करें और अपनी और केंद्र सरकार की जो उपलब्धि है वो बता सके, क्यों हम भाजपा को वोट देना है, भाजपा ने क्या क्या कैसे कैसे देश को विकसित किया है, विकास की राह पर किस तेजी से लेके जा रहा है। ये तमाम बातें जो है उम्मीदवार कार्यकर्ताओं और उम्मीदवार जनता को बताएंगे, जिससे उनको लोकसभा चुनाव में वोट मिले और भारी जीत के साथ वो वापस लौटे। आज की सीईसी में करीब 125 उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगनी है, क्योंकि इससे पहले कल मध्य प्रदेश की कोर ग्रुप की राष्ट्रीय कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, इससे पहले छत्तीसगढ़ की हो चुकी है, तो अब बस इंतजार है सीईसी का, क्योंकि जो कोर ग्रुप की बैठक में नाम प्रस्तावित किए जाएंगे उन्हीं पर आज मोहर लगेगी। आगे आपका हम रुख करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अशरफ काजमी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि यहाँ इंतजार हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी के आने का, योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ को, बीजेपी के दिग्गज नेता, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और साथ ही स्टार कैंपेनर भी रहते हैं अलग अलग राज्यों में, जहां भी चुनाव होता है बीजेपी के प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के लिए स्टार कैंपेनर उतरते हैं मैदान में, उनमें एक प्रमुख चेहरा योगी आदित्यनाथ का भी रहता है। बात अब कर लेते हैं भोपाल की, जहां के लाल परेड मैदान पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम मोदी वर्चुअली जुड़े। इस कार्यक्रम में राज्यपाल मंगूभाई पटेल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव समेत कई मंत्री और बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश के लिए 17,500 करोड़ रुपए की अलग अलग परियोजनाओं का वर्चुअली लोकार्पण और भूमि पूजन किया। प्रधानमंत्री ने उज्जैन में विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का भी शुभारंभ किया, साथ ही साइबर तहसील परियोजना की भी शुरुआत की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जनता ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है, जनता का यह विश्वास भाव विभोर करने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गरीब को हर मुसीबत से बचाना ही मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री जी, हमारे आपके नेतृत्व में मध्यप्रदेश की सरकार डबल इंजन की सरकार बनकर के विकास के एक के बाद एक नए नए सोपान चढ़ती जा रही है। आज हम आपके माध्यम से हमारी जिस प्रकार से विकास के कामों की शुरुआत हुई, मध्य प्रदेश वो प्रदेश है जहां सर्वाधिक गति से विकास के साथ साथ हमने कृषि के उत्पादन क्षेत्र में सिंचाई सुविधा, आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मालवा अंचल में जीतू पटवारी, अरुण यादव, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा, विजयलक्ष्मी साधु जैसे दिग्गज नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं के चुनाव लड़ने से पीछे हटने पर बीजेपी ने चुटकी ली है और कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है कि कोई उन्हें खोजने से भी प्रत्याशी नहीं मिल रहा। तो वहीं बीजेपी के तंज पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी अब टिकट पर मंथन और रायशुमारी कर रही, जबकि कांग्रेस ने पिछले महीने ही हर सीट से 4-4 नामों का पैनल भेजा हुआ है। जिस प्रकार से देश में पिछले दो कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की भाजपा की सरकार ने पूर्ण किए हैं,
उससे घबरा करके उन योजनाओं का जो लाभ नीचे तक के वर्ग को मिला है, प्रत्येक वर्ग को मिला है, आज पूरी देश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो उससे घबरा करके कि चुनाव में कोई परिणाम, अभी हमने भी देखे विधानसभा के 3 स्टेट के चुनाव हम सबने देखे जहां पर कांग्रेस का और अन्य विपक्षी दलों का सुपड़ा साफ हुआ है, तो आने वाला है चुनाव निश्चित रूप से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार का जो नारा है उसको पूरा करने जा रहे हैं और कांग्रेसी को ढूंढे प्रत्याशी नहीं मिलेंगे, इस बात की सत्यता बिल्कुल है। भारतीय जनता पार्टी का पैनल कल बना और जबकि कांग्रेस पार्टी का लगभग 29-28 सीटें जो हम मध्य प्रदेश में लड़ने जा रहे हैं उन सब पे पैनल बन के तैयार होके दिल्ली भी चला गया है और भारतीय जनता पार्टी भ्रामकता फैलाने में तो सबसे आगे है, नंबर वन है। हमारे हर पैनल पे जीतने योग्य 4-4 उम्मीदवारों का पैनल हर लोकसभा में तैयार है और ये तो चुनाव के दौरान मालूम पड़ेगा कौन भाग रहा है और कौन लड़ रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में कांग्रेस के सांसद नकुलनाथ ने बीजेपी में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। जनसभा को संबोधित करते हुए नकुलनाथ ने साफ कर दिया कि ना तो वो और ना ही कमलनाथ बीजेपी जा रहे हैं, ये अफवाह बीजेपी की तरफ से फैलाई जा रही है, ये कहना रहा नकुलनाथ का। भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं कि कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, मैं भाजपा में जा रहा हूं, मैं आज इस सभा में स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ना ही कमलनाथ जी भाजपा में जा रहे हैं, भाजपा के लोग अफवाहें फैला रहे हैं। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल खंडवा के दौरे पर थे जहां उन्होंने लोकसभा चुनाव के टिकट को लेकर कहा कि अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई लेकिन बीजेपी टिकट में अगुवाई करेगी। अपने लोकसभा चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि बीजेपी ने पार्टी की सूची के बाद तय होता है बीजेपी के अंदर कि किसे चुनाव लड़ना है, तो वहीं कमलनाथ के भावुक होने और विदाई वाले बयान पर कहा कि स्वर्ग और नरक यही है, जिन्हें धन और पद का अहंकार होता है उनका अंत कैसे होता है ये इस बात का प्रमाण है। कि अधिसूचना जारी अभी हुई नहीं है और टिकट में भारतीय जनता पार्टी अगुवाई करेगी, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की सूची के बाद तय होता है कि किसको लड़ना है, स्वर्ग और नरक यही है। भाई साहब आपने इसलिए जिन बातों को धन का और पद का बहुत अहंकार होता है उसका अंत कैसे होता है जिसका प्रमाण है, इसलिए राजनीति में हमें मर्यादित और संयमित रहना चाहिए। खबर मुरैना से जहां जमीन विवाद में दो पक्षों